एस क्या है, नॉन एम्प्टी सेट, मतलब इस सेट के अंदर में वन नंबर है, मान लो है टू है, फाइव है और क्या है, सेवन है, ठीक है। वहाँ पे बोला है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एक टाइप का फंक्शन है, क्या फंक्शन है, जो इससे इसको कनेक्ट करता है, ठीक है, एस इंटू एस और एस, ये बेसिकली ये एक टाइप का क्या है, फंक्शन है। तो मान लो यहाँ पे तीन एलिमेंट है, ठीक है, अब यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन मान लो ऐसे दे रहे हैं, टू प्लस फाइव इक्वल टू क्या होता है, सेवन। ये वाला एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है, इसी में से जो लेके काम करना है इसी से लेके काम करना है, और ये जो प्लस है ना ये फंक्शन का काम कर रहा है, ये जो एफ है, एफ इज ए फंक्शन, तो ये देखो दो एलिमेंट को ऐड करने का काम कर रहा है, तो ये एफ हो गया फंक्शन का, और ये जो वैल्यू मिला वो भी इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ये हो गया बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन का क्या होता है, सिंबल है यहाँ पे, स्टार है, प्लस है, इस तरह करके क्रॉस है, इस तरह करके है, इस तरह करके है, तो ज्यादातर देखोगे कि ये वाला यूज होता है, कहीं भी ये भी यूज होता है, मतलब सबका मतलब एक ही है। तो बाइनरी ऑपरेशन का क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव होगा अगर ए स्टार बी का वैल्यू बी स्टार ए के इक्वल आता है, ठीक है। जैसे मान लो कि तुमको बोलेगा कि ए और बी दो इंटीजर है और पूछेगा कि ये कम्यूटेटिव है कि नहीं, तो और बगल में लिख देगा ए स्टार बी का मतलब ए प्लस बी, दो इंटीजर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है, इसका मतलब वो कम्यूटेटिव है। टू प्लस फाइव सेवन, या फाइव प्लस टू क्या होगा, सेवन, इसका मतलब कम्यूटेटिव है। एक बार सीधा लिखना है, एक बार उल्टा चेक करना सेम आ रहा, अगर सेम आएगा तो क्या बोलेंगे, कम्यूटेटिव, टू प्लस फाइव सेवन या फाइव प्लस टू सेवन, एडिशन में कम्यूटेटिव होता है, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, वो भी क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करेंगे कम्यूटेटिव नहीं होगा, फाइव में से टू गया थ्री और टू में से फाइव गया माइनस थ्री, दोनों अलग अलग आ गया ना, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होता है और एडिशन में होता है और मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव मतलब ए स्टार बी स्टार सी, एक बार ए स्टार बी लेंगे और एक बार बी स्टार सी, दोनों का वैल्यू क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और यहाँ से ए बी सी किससे बिलोंग करना चाहिए, एस, एस माने मान लो कल्पना करो एस क्या है, सेट है जिसके अंदर में तीन एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है। तीसरा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, ए स्टार, ये भी बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है, ए स्टार बी, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल है। एक बार अब क्या करना है, उधर में इसका इससे मल्टीप्लाई कर देना, ए स्टार बी, फिर बाइनरी ऑपरेशन का सिंबल देके ए स्टार सी, इसे मल्टीप्लाई करते हो अलजेब्रा में, ठीक है। अब ये वाला क्या होगा, अब इसको इधर लिख दोगे, इसको उधर लिख दोगे, तो B का किससे मल्टीप्लाई होगा, A से, और फिर C का A से, ध्यान से देखो, हो गया, एक बार इसे सीधा, एक बार इसको उल्टा लिख देना। आइडेंटिटी एलिमेंट पूछेगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, E को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, A स्टार E का वैल्यू निकालोगे और E स्टार A का वैल्यू निकालोगे, दोनों का सेम आ जाएगा, ठीक है, मतलब इक्वल टू A आ जाएगा, तो बोलोगे कि ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, ई, ठीक है। अब है इनवर्टिबल, इनवर्टिबल क्या होता है, ए स्टार बी, बी स्टार ए, दोनों का वैल्यू अगर ई के बराबर आ जाए तो बोलेंगे इनवर्टिबल है, मतलब इसका इनवर्स निकाला जा सकता है, तो यहाँ पे ए का इनवर्स पूछेगा तो बी होगा, ए का इनवर्स पूछेगा तो क्या होगा, बी होगा, मतलब इसको इधर भेज दो, ठीक है, ए इनवर्स आ जाएगा तो इधर कौन रहेगा, बी। नेक्स्ट है एडिशन मॉड्यूलो, एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है, तुमको ये दो नंबर दे देगा, गौर से देखो, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, नीचे वाला भी मत देखो, ठीक है, बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है, तो बोल रहा है कि इन दोनों को ऐड कर दो, टेन और नाइन कितना होगा, नाइनटीन, नाइनटीन को ऐड करके फाइव से डिवाइड करना, ये जो नंबर है ना डिवाइड करना, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो प्लस कर देना,
अब मल्टीप्लाई दो ही चीज रहेगा, या तो पॉजिटिव या तो मल्टीप्लाई, इतना नहीं रहेगा। तो इन दोनों को ऐड करना, नीचे वाला जो नंबर रहेगा उसे हमेशा डिवाइड करना, हमेशा डिवाइड करना। डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वही यहाँ लिखना है। तो 10 और 9 19, 19 को 5 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? रिमाइंडर कितना आया? 4। याद रखना ये रिमाइंडर यहाँ पे लिखा जाता है। अब ये वाला कैसे सॉल्व करोगे? 7 8 56, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई किए, 56 को 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? जो डिवाइड करके देख लेना। अब आया नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, बोल रहा है एस एक सेट है, उसमें कितना एलिमेंट है? ये 3 तो है ना, मान लो बोल देगा एन एलिमेंट है, माने नहीं दिखाई दे रहा है, एन एलिमेंट है तो बोलेगा नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना हुआ? तो लिखेंगे एन का पावर एन स्क्वायर, एन का पावर एन स्क्वायर। जैसे एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ दिया कि एक सेट है उसके अंदर में तुम्हारा है 4 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा? 4 का पावर 4 स्क्वायर, ठीक है, यानी 4 का पावर कितना हो जाएगा? 16। ये शॉर्ट क्वेश्चन में दे सकते हैं, ठीक है, बस ये बाइनरी ऑपरेशन के अंदर इतना ही थ्योरी है। अब उतार के हम बता रहे हैं, बना के दिखाओ।